हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 6 का मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे थे स्टूडेंट्स हम, तो कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम अनुपात और समानुपात की। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे है रिक्त तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों को भरना है। आपको एक जगह न्यूमरेटर में बॉक्स दिया है, वो खाली स्थान है, वो भरेंगे, और एक जगह डिनोमिनेटर में बॉक्स दिया है उसको भरेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और जो भी आंसर आता है चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज देंगे। पहले हम इनको देखते हैं, फर्स्ट टू को देखते हैं, ठीक है? तो आप याद करो जो चैप्टर हमने भिन्न वाला किया था, फ्रैक्शन वाला किया था, उसमें किस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते थे। 14/21 है, इसकी तुल्य भिन्न आपको लिखनी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 दिया है, न्यूमरेटर में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भाई जो ये 3 है ये 21 से बड़ा है या छोटा है। तो ये 3 तो 21 से छोटा है, मतलब 21 को किसी न किसी चीज से भाग करके ही 3 आया होगा। तो 21 को कितने से भाग करेंगे कि 3 आ जाए, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए। तो 3 × 21, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। सिमिलरली 21 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 14 को भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2/3, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि 2:3 क्या है, 2:3 इसका तुल्य अनुपात है, है ना? 2:3 तुल्य अनुपात है। और इसी तरह 2/3 जब आ गया, अब हम लेते हैं इसको 2/3 और इसके बराबर लिखा हुआ 6 और नीचे बॉक्स दिया हुआ है। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा, 3 से। तो 3 को भी आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 9 आ जाएगा। रिक्त स्थानों को भरना कितना आसान है, कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो इसमें पूछ सकते हैं आप। बाकी इनके आंसर इस तरह से आएंगे, इसको नोट डाउन कर लो। ये आप पहले भी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर फ्रैक्शन में, तो इसीलिए कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ आपको डाटा गिवन है, मैरी के घर से स्कूल की दूरी का जॉन के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात, ठीक है? तो यहाँ पे अनुपात आपको दिया है मैरी के घर से स्कूल की दूरी और जॉन के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात आपको दिया है, वो है 2:1। तो आपको इसको चेक करके बताना है कि कौन अधिक निकट रहता है स्कूल के, ये आपको बताना है, ठीक है? तो जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिए, सिंपल है। अनुपात को देख के ही आप बताएंगे कि कौन अधिक निकट रहता है। इसी तरह निम्न सारिणी को पूरा कीजिए, ठीक है? कुछ संभव दूरियां आपको यहाँ पे दी हुई हैं और इस सारिणी को आप पूरी करेंगे। यदि मैरी के घर से तीसरा पार्ट है ये कि स्कूल की दूरी का कलाम के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात आपको दिया है, तो स्कूल के ज्यादा निकट कौन रहता है। 3 पार्ट हैं इसके, जल्दी से एक बार आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट 1 की तरफ अगर देखें तो स्कूल के अधिक निकट कौन रहता है, कैसे आप बता सकते हैं? तो देखिए, रेशियो को या फिर अनुपात की बात कर रहे हैं, अनुपात को हम चेक करते हैं। तो अनुपात को चेक करेंगे
ए पार्ट में अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है 2:1, ठीक है, 2:1 आपको यहाँ पे गिवन है। तो मैरी के घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 2, ये तो मैरी है, ठीक है, और ये जॉन के घर से स्कूल की दूरी। तो बताइए कि इन दोनों आंकड़ों में से, 2 और 1 में से छोटा आंकड़ा कौन सा है, ये 1 है ना, 1 कम है 2 से, तो इसीलिए जो दूरी है, दूरी किस में हो सकती है, मीटर में, किलोमीटर में, किसी भी चीज में हो सकती है, वो हमेशा 2 से, तो मैरी के घर से जो दूरी है उससे तो कम ही रहेगी जॉन के घर से, क्योंकि ये आंकड़ा छोटा है। इसीलिए हम इनको देख के बता सकते हैं कि जो जॉन है उसके घर से स्कूल की दूरी कम रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकटता पूछी गई है, तो आप लिखेंगे कि जॉन स्कूल के ज्यादा निकट रहता है, जॉन स्कूल के ज्यादा निकट रहता है क्योंकि अनुपात 2:1 है, है ना, इसका रेशियो 2:1 है, जबकि 2 किसके लिए है, किसकी दूरी दर्शाता है, मैरी के घर की दूरी दर्शाता है स्कूल से, जो कि ज्यादा है, ठीक है। तो ए पार्ट इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो बी पार्ट में यहाँ पे क्या चीज आपको दी गई है, बी पार्ट में कुछ फ्रैक्शन मान लीजिए, अनुपात मान लीजिए, तो जैसे किलोमीटर में दूरी दी गई है, मैरी के घर से स्कूल की दूरी है 10 किलोमीटर और जॉन के घर से है 5 किलोमीटर, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 10/5। तो बी पार्ट को एक बार ट्राई करेंगे आप सॉल्व करने की, 10/5 इसको बोल सकते हैं, है ना। अब आपको क्या बताना है कि भाई अगले जो बॉक्स में दिया गया है वो दिया गया है नीचे 4, ठीक है, और ऊपर कितना दिया गया है, ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया, ऊपर बॉक्स है, खाली स्थान है, जो आपको यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है, ठीक है। तो किस तरह से इसको आप कर सकते हैं ये देखेंगे। तो देखिए जो एक्चुअल आपको अनुपात दिया गया है वो कितना है, 2:1 है, 2:1 है, ठीक है, तो 2:1 किसके बराबर हो सकता है, 10/5 के बराबर, और ये 10/5 ये हो सकता है इसके बराबर, बॉक्स है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं आप ये यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट अगर इन दोनों को कंपेयर करें, तो 2/1 है, 2/1 है, ये यहाँ पे कितना है, नीचे 4 है, तो डिनोमिनेटर में बताइए 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, तो 2 को भी तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 8, मतलब 8/4 यहाँ पे आपका आ सकता है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई नेक्स्ट लाइन में है 4/2, ठीक है, यहाँ पे 4/2 है, कैसे आया, देखिए ये हमें 8 को कितने से डिवाइड करना पड़ा, 2 से भाग किया तो 4 आया, इसी तरह 4 को भी 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है 4/2, है ना, ये हमें बॉक्स फिल करना है, तो इसको फिर से हम वही करेंगे कि 2/1 जो है उसको आप कंपेयर करेंगे बॉक्स, और डिनोमिनेटर में है 3, तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2/1 ऑलरेडी है, ठीक है। इस तरह से आप इनको भर सकते हैं जो यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं। अब अगर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सी पार्ट, तो इसमें आपको फिर से अनुपात दिया गया है, लेकिन किस किस का अनुपात दिया गया है, मैरी के घर से स्कूल की दूरी और
कलाम के घर से स्कूल की दूरी। इस बारी मैरी के घर से स्कूल की दूरी कितनी दी गई है? मैरी के घर से स्कूल की दूरी की यूनिट 1 है और कलाम के घर से स्कूल की दूरी की यूनिट 2 है। तो किसका अधिक क्या है, निकट है, किसका अधिक पास है, ये आपको बताना है। तो स्कूल के ज्यादा निकट कौन रहता है? स्कूल के ज्यादा निकट तो मैरी रहेगी, है ना। स्कूल के ज्यादा निकट तो मैरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका अनुपात यहाँ पे दिया है। तो अगर सी पार्ट आप करेंगे तो मैरी स्कूल के ज्यादा निकट रहती है। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो आप। एक और क्वेश्चन यहां पे करेंगे हम। इस बारी का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको दो लोगों के बीच में एक आपको धनराशि दी गई है, उसको बांटना है, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बोला गया है कि किस अनुपात में बांटना है, ये थोड़ी ही यहाँ पे परेशानी खड़ी कर सकता है। तो अनुपात है 1:2, इसमें आपको 60 रुपए को बांटना है ना। तो किस तरह से बांटेंगे वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि भाई कृति के पास कितने रुपए आएंगे और किरण के पास कितने आएंगे, जबकि कृति और किरण के जो बीच में पैसे बटेंगे उनका अनुपात है, ये है कृति के लिए और ये है किरण के लिए। तो इसी रेशो में पैसे बटेंगे। तो किस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे, एक बारी आप ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने के लिए और फिर हम यहाँ पे साथ सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है अभी तक बच्चों तो पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे टोटल जो कुल रुपए हैं वो 60 हैं, ठीक है, कुल रुपए 60 हैं। तो जो अनुपात है कृति को, उसका 60 का एक हिस्सा मिलेगा, है ना, एक हिस्सा मिलेगा कृति को और दो हिस्से मिलेंगे किसको, किरण को, दो हिस्से किरण को मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम इनका योग कर दें, योग कर दें तो कितना होगा, 1+2, 1+3 हो जाएगा। मतलब जो टोटल हमारे पास धनराशि है वो कितनी है, उसके तीन हिस्से अगर हो तो उनमें से एक हिस्सा तो कृति को मिलेगा और दो हिस्से मिलेंगे इसको, किरण को। तो टोटल धनराशि 60 है, इसके हम अगर तीन हिस्से कर लें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20। मतलब 20 और 20, ये आ जाएगा 20 20 और 20। मतलब तीन हिस्से है ना भाई, पहला हिस्सा ये आ गया, दूसरा हिस्सा ये आ गया और तीसरा हिस्सा ये आ गया। अब तीनों को मिला के देखेंगे तो 20+20+20 ये 60 होता है ना, 60 होता है। तो यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, एक तो कृति की बात हो रही है और एक हो रही है किरण की। तो ये तीन हिस्सों में से कृति को कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एक हिस्सा मिलना चाहिए, मतलब 20 मिलना चाहिए, और किरण को दो हिस्से मिलने चाहिए, मतलब 20+20, दो हिस्से हो गए तो इसको 40 रुपए मिलने चाहिए, है ना। ये बिल्कुल मैंने डिटेल में आपको चीजें समझाई हैं कि किस तरह से आंसर आएगा आपका। अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को
यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि अनुपात के कितने हिस्से हैं, अनुपात के दो हिस्से, एक और दो हैं। इसके दो हिस्से हैं, अब इन दोनों हिस्सों का योग कितना होगा? दोनों हिस्से का योग कितना हो गया? ये हो गया 1 + 2 और ये आ गया 3। अब कुल धनराशि कितनी है? 60 है। कुल धनराशि 60 है। तो यहां पे अतः तृतीय का हिस्सा। अब मुझे बताइए तृतीय का हिस्सा कितना है? एक है हिस्सा, है ना। कितने में से? टोटल हिस्से तो 3 है, उसमें से एक तृतीय का हिस्सा है। और पैसे कितने हैं? 60 रुपए हैं। धनराशि 60 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 से 60 को काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो मतलब 20 रुपए क्या आ गया? ये तृतीय की धनराशि आ गई। इसी तरह किरण की धनराशि निकालेंगे तो टोटल भाग तो कुल हिस्से 3 है और किरण को कितने मिले हैं यहाँ पे? उसमें से 2 मिले हैं। तो अगर किरण की बात करें कि किरण का हिस्सा कितना हो जाएगा और किरण का हिस्सा ये यहाँ पे लिखेंगे आप कि भाई 2/3 × 60, क्योंकि टोटल रुपए तो 60 है और उसमें से किरण को टोटल हिस्से 3 है, उसमें से 2 हिस्से किरण के हैं। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 × 2 = 40, तो 40 रुपए किरण को मिलेंगे। बच्चों इस तरह से सॉल्व करेंगे, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्या इसका आंसर होता है वो आप अपना हैंड रेज करके बता देंगे। जैसे ही आपका आंसर आ जाए अपना हैंड रेज करेंगे और आंसर बता देंगे। जल्दी से इसको सॉल्व करो बच्चों सब। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कर चुके हैं हालांकि हम इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी, लेकिन एक बारी यहाँ फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और सबसे पहले जो लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या आपको दी हुई है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कक्षा में लड़के कितने हैं, कक्षा में लड़कों की संख्या 15 है, और अगर लड़कियों की संख्या पूछी जाए यह है 20। अब ए पार्ट है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से आपको क्या बताना है, अनुपात।
क्या होगा? तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पहले लड़कियों की बात हुई है या लड़कों की। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए लड़कियों की बात हुई है, पहले लड़कियों के बारे में बोला गया है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 है, तो हम 20 लिखेंगे। और उसके साथ अनुपात किसका है? लड़कों का। तो लड़कों का कितना है? लड़कों का है, लड़कों की संख्या 15 है, तो ये अनुपात 15 हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 20/15 भी तो लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, और ये आ जाएगा 4:3। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका 4:3। इसको बच्चों नोट डाउन कर लो। और देखिए जो सेकंड पार्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट भी इसी तरह होगा, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है तो सेकंड पार्ट आप आसानी से कर लेंगे। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे बोला गया है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुल विद्यार्थी आप निकालना चाहें तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे बताइए मुझे। कुल विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे जो लड़के हैं, कुल विद्यार्थी है, जो लड़कों की संख्या है वो 15 है, प्लस जो लड़कियों की संख्या है वो 20 है। तो 20 + 15 = 35, तो कुल विद्यार्थी 35 हो गए। अब आप निकाल सकते हैं लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, क्योंकि आपके पास दोनों चीजें हैं। तो देखिए बच्चों, इंग्लिश में अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम पहले इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि देर आर 20 girls and 15 boys इन अ स्कूल, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गर्ल्स की और बॉयज की रेशियो फाइंड आउट करनी है, और दूसरे में क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन द क्लास, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज है जो आप यहाँ पे निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप जो चीज गिवन है वो लिख देंगे, दैट नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज इक्वल टू 20, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज 15 + 20, ओके, दैट विल कम आउट एज 35। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इज 35। नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल्स टू बॉयज। तो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 20:15, और इसको आप कैंसिल आउट करके 4:3 आ जाएगा। सिमिलरली बी पार्ट आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, घर से सॉल्व करके लाएंगे, और किसी को कोई डाउट है ए पार्ट आएगा तभी आप बी पार्ट कर पाएंगे। तो ए पार्ट में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि काफी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं, और देखिए काफी इजी लग रहे होंगे अब क्वेश्चन आपको। हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया है स्टूडेंट्स उसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।